समझ के रहना हम सब का काम। तुम तो जानते हो ये चंबल घाटी है और चंबल घाटी में ये अड्डा डाकू शोला सिंह का है। मारने के जरूरत नहीं कर सकता है। एक बार किया जाएंगे सुझे एक बार किया जाएगा। चलिए सदा जी आगे वो कौन सी बात आपको मुझे देखने के बाद याद आई? तुझे मालूम नहीं है कि सरकार ने शोला सिंह को पकड़ने के लिए कितना इनाम रखा है? आप ठीक कहते हैं सदा जी, सरकार ने आपको पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा है। सरकार जी 50,000 पूरे 50,000 जी सरकार जी पूरे 50,000 का इनाम रखा है। तौलिया से तारापुर तक की पुलिस हमारे लिए, हमारे लिए हाथों के लिए हथकड़ियां, पैरों के लिए पेड़िया लिए ढोल रही है। शोला सिंह हमारी तरफ से आएगा और शोला सिंह के हाथों में हथकड़ी पैरों में पेड़िया डाल रही जेमी सलाखों के पीछे। लेकिन नहीं, तुझे उस यशपाल की कहानी मालूम है ना? जी सरदार जी। अरे वो दरोगा यशपाल की कहानी तुझे मालूम है ना? वो सलाह हमारे लिए पैरों के लिए पेड़िया और हाथों में पहनने के लिए हथकड़ियां। पीछे पीछे वो हर हम जाना हमारा पीछा करता रहा, पीछा करता रहा तो मैंने उसके साथ क्या किया? नहीं पता ना तुझे, तुझे नहीं पता ना कि सोलह सिंह ने उसके साथ दरोगा के साथ क्या किया है? मैं बता रहा हूँ, आज तो मैं शुरू सुनो सकता है।
तुम्हें बांध देता है। वो कहानी जब तुझे याद आएगी ना, तो तेरे पैरों के जमीन खिसक जाएगी। वो कहानी, वो काली रात और आकाश में बिजलियां चमक रही थी, जिस बरगद के पेड़ पर शोला सिंह की पत्नी की लटक की लाश, आज वही लाश जब मेरे आंखों के सामने आती है, तो लाश शोला सिंह के शरीर में सिर्फ एक ज्वालामुखी चलने लगती है, और वही ज्वालामुखी आगे पूरे आसाम को जला कर राख नहीं कर देगी। इसलिए आइए हाथों में रंगीन बोतल जाम की और पहले लग जाने दे, फिर बातें करना काम की। सुरेश और लता सिंह बातें तो हमारे विषय में सारे साल शाम में फैली हुई है, लेकिन उन बातों को हम बेगल से निकाल देते हैं। जब तक हम शराब नहीं पीते तब तक हमारा दिमाग कोई काम करने तो स्थिर नहीं होता है। इसलिए एक बोतल शराब लेकर अभी शराब आती है सरदार जी। साथियों सरदार जी चली चल शराब आपके लिए हल लाओ। सूरज सिंह आज शराब को तुमको बताऊंगा कि ये सोना सिंह शराब को अपने गले से लगाकर क्यों रखता है, और इसके बारे में मैं तुमको बताना भी चाहता हूँ। कहते हैं कि ना ये शबाब है और ना ये अजाब है, मैं हूँ शराबी मेरी जिंदगी शराब है। आज तुम लोगों ने आज की बाजी बहुत वीरता के साथ जीती है, इसलिए आज सोना से मुझे खुशी में इस अड्डे पर एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहा है। आज हमारे साथी सारे साथी मिलकर शराब पियेंगे, और शराब पीने के बाद हम बताएंगे कि तुम लोगों को करना क्या है। कैसिया का सरदार जी वाह क्या नस्ली शराब है। शराब तो इंसान को दीवाना बना देती है। लो सूरज सिंह लो तुम भी पियो। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, हमारी खुशी में शामिल होकर सब लोग खुशी
दस पार्टी का सारा मजा बेकार हो जाएगा। अब तुम पिछले शराब पीने के बाद तुम्हें याद होना चाहिए शराब के साथ सवाब की भी जरूरत होती है ना। अगर आपका हुक्म है तो सवाब की भी व्यवस्था की जाएगी सरदार। सवाब की तो छोड़ो बेटा, छोड़ो जी सरदार। मैं शराब पीता रहूं और वो नाच गाना गा गा करके मेरे दिल को बहला तभी तो हमारी आत्मा को ठंडक मिलेगी ना। आओ बैठे था। ये नहीं पूछूं कि अचानक तुमने यहाँ बुलाया क्यों। मैं जानती हूँ यहाँ में बुलाते किस लिए। आखिर मैं नंदा रंटी हूँ ना। आखिर मुझे बुलाया होगा तो मुजरा करने के लिए। आज तुम मुझे ऐसा गाना सुनाओगे, ऐसा गाना सुनाओगे नंदा कि मैं उस गाने में बिल्कुल सो जाऊं, सुनते सुनते मैं सो जाऊं, ऐसा लग्न मुझे दिखाओ। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया हो और सारी दौलत से आज तुम्हें दौलत इतना रुपया दोगे नंदा कि तुम बैठे बैठे जिंदगी भर खाओगी। Thank you.
लगा। मजा नहीं आ रहा। जब तक तुम्हारा तीर मेरे कलेजे के अंदर नहीं होगा तब तक मजा कहाँ आएगा। कोई ऐसा गाना सुनाओ कि मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाए। बहुत रुपया दूंगा तुम्हें, बहुत इनाम दूंगा लता। क्यों नहीं? हाँ
हाँ। तूने सारा क्षेत्र दिल में इतनी खुशी डाल दिया है कि खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए इसी खुशी में आज छोटा सिंह तुमसे कुछ कहना चाहता है। ना क्या कहना चाहती हूँ? सोना सिंह का इसी खुशी में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो क्या बात है। ये तो नहीं जगह कि बढ़िया पंग करके मांगो है तो मांगना और ना खिलता तुम्हें मैं कहा और उस रानी का नौलखा हार चाहिए। इसीलिए तो मैं अपनी जुबान नहीं खराब करना चाहती थी। मैं जानती थी कि कहीं मुझे यही बात सुनने को मिलेगी कि मैं नहीं ला सकता, इसीलिए तो मैं कहना नहीं चाहती थी। नहीं नंदा, शायद तुम सोना सिंह को नहीं जानती हो कि सोना सिंह इस शीशे से तो पत्थर को तोड़ देता है। ये तो दौलत का हार की बात है। Oh!
राजा का हार चाहिए तो आज ये सोलह संतों से वादा करता है कि एक घंटे के अंदर तमरा रानी का नौरा का हार तेरे गले में होगा। मैं आपके आने का इंतजार करूंगी, आपके आने का इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन इसके एवज में नंदा हमें क्या मिलेगा? तूने तो हमारे लिए काम बता दिया है कि कमला रानी का नौला का हार मेरे गले में डाल दो, लेकिन इसके एवज में अरे सोलह सिंह को क्या लाभ है? इसके बाद नहीं, जो चाहो वो मिल जाएगा। अगर ये चाहोगे तो तुम्हें नंदा रानी जरूर मिलेगी। काश तूने मेरे दिल की बात ही छीन लिया है। अगर ऐसी बात है तो ये सोलह संतों से वादा करता है कि एक घंटे के अंदर अंदर कमला रानी का नौला का हाथ तेरे गले में होगा। ठीक है, लेकिन अपना वादा भूलना नहीं। ये हमारा वादा था। ठीक है, मैं चल जाऊंगा, हमारा इंतजार करना। ठीक है, मैं आपका इंतजार करना।